language development in 2 to 3 years old children student will identify the recommendations for language development into 2 to 3 years old children children who develop strong language and communication skills are more likely to अराइव एट स्कूल एंड रेडी टू लर्न एंड डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं टॉकटिव होते हैं और उनकी लैंग्वेज डिवेलपमेंट एट टॉडलर्स एज बड़े आ, मुनासिब तरीके से हो चुकी होती है तो वो स्कूल में उनके लिए लर्निंग के लिए आ, कोई डिफिकल्टी सामने नहीं आती और आ, वो एक जब आ, आ, बच्चों के ग्रुप के साथ बैठ के कम्यूनिकेट करेंगे तो उनकी लैंग्वेज ज़्यादा बेहतर तरीके से डिवेलप होना शुरू हो जाएगी एंड दिस इज डेफिनेटली इफेक्ट्स ऑन देअर अचीवमेंट इन स्कूल जो दो से तीन साल का बच्चा है उसके लिए आपको सबसे पहले ये बात धेहनशीन कर लेनी चाहिए कि उसके साथ यू हैव टू स्पीक वेरी मच क्लियर आप उसको क्लियरली बताएंगे मेक अ गुड स्पीच रिपीट अगेन एंड अगेन एवरी थिंग उसको साथ जब आप रिपीट करेंगे वर्ड्स uh, को तो आ, और उसके जब चीज़ें आपको दिखा के उसको बताएंगे तो योर चाइल्ड विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इन अ मच इफेक्टिव वे यूज़ वर्ड्स लाइक वॉन्ट जूस अगर उसको क्वेश्चन में लेकर आएँ और उससे सवाल में क्यों पूछना ताकि वो आपको बेहतर जवाब दे सके और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो सकें और वो डेफ़िनेटली पूछे कहेगा कि यस आई वांट जूस तो फिर आप पूछेंगे कौन सा जूस पीना है एप्पल औरेंज ताकि उसको डिफरेंट जो फ्रूट्स नेम्स हैं वो भी आ जाएंगे और वो बता सकेगा फिर उसको डिटेल में उससे पूछेंगे क्यों पसंद आता है और अगर उसे कोई चीज़ नहीं पसंद तो वो क्यों नहीं पसंद तो इस तरीके से आप उसको जो बेबी टॉक होती है वेरी सिंपल वे में और उस उससे से आप उसको बेहतर अंदाज़ में उसकी लैंगवेज डिवेलपमेंट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स अ टाइम फॉर डिनर आप उसको जो uh, टाइमिंग्स हैं बच्चे को वो भी बता सकते हैं लंच टाइम के बारे में भी बता सकते हैं और uh, फिर उसे कहेंगे नाउ इट्स अ टाइम टू हैव लंच और डिनर लेट्स डू इट चलो अब ये जाके हम ये काम करते हैं आपने कुछ तस्वीरें भी कटआउट करनी है कुछ आ, 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 जब तस्वीरों को आप आ, आ, निकालेंगे काटेंगे और फिर उनकी जो फेमिलियर एंड फेवरेट फेसेस होते हैं उनको बताएंगे तो डेफ़िनेटली जो बच्चा है जो टू टू थ्री इयर्स ओल्ड चाइल्ड है वो इन अ बेटर वे सीख रहा होता है पुट डेम इन अ कैटेगरीज़ कुछ चीज़ों को आप कैटेगरीज़ में रखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गेम्स के जो आ, चीज़ें हैं उनको आप रखेंगे कि आप क्रिकेट है हॉकी है बॉल है तो ये कहाँ रखना है वो बच्चा डेफिनेटली उसको डालेगा कि अच्छा ये मेरी गेम की चीज़ें हैं और अगर खाने की चीज़ें हैं तो उसे उससे बात कीजिए कि वो किस तरीके से रखेगा फ्रूट्स हैं वो एक सेपरेटली उसे बताए बताइए कि ये खाने वाली चीज़ें हैं और ये फ्रूट्स हैं स्ट्रॉबेरी क्या है ठंडी अगर आइसक्रीम को अगर आपने देना है तो उसे पूछें कि क्वेश्चनिंग की करें कि ठंडी है मीठी है और आ, अच्छा फ्लेवर होता है जो उसे पसंद है उसके बारे में उससे कन्वर्सेशन कीजिए टॉक अबाउट व्हाट इज़ रॉन्ग विद द पिक्चर अगर कुछ चीज़ें दिखाए हैं और उसको नहीं अच्छी लग रही तो उसे इस बारे में भी बात कीजिए और इस तरीके से आप उस पर uh, जो डिफरेंट उसकी uh, जो स्किल्स हैं वो आपके सामने नजर आएंगी यू हैव टू आस्क क्वेश्चन आफ्टर शोइंग दैम द पिक्चर्स लाइक Uh, पूछेंगे उससे कि uh, ये uh, पिक्चर दिखा के कि ये अली है या नूर है तो वो जो जिससे फेमिलियर है उसी का रिस्पांस बच्चा देगा जाके और अपने क्वेश्चंस को डेवलप करेगा फिर उससे बात करें वो आपको बड़े इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन उसके साथ शुरू हो जाएगी आज क्वेश्चन दैट इंक्लूड अ चॉइस अभी हमने वो बात की कि, कि क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं पसंद दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थ्रू दैट यू कैन डिवेल्प द कम्युनिकेशन स्किल्स और वो एक्सप्रेशन पे आ जाएगा एक बच्चा डू यू वॉन्ट एन एप्पल और ऑरेंज इज़ वेरी मच क्लियर के uh, अगर उसे एप्पल अच्छा लगता है तो एप्पल लेगा ऑरेंज अच्छा नहीं लगता तो वो ऑरेंज की तरफ नहीं जाएगा जो रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आपके पास घर में जो चीज़ें हैं या आपके सेंटर में जो चीज़ें हैं वो दिखा के उसके बारे में उसे राय लीजिए जाके हेल्प द चाइल्ड लर्न न्यू वर्ड्स नेम बेबी पार्ट्स एंड टॉक उसको बताइए कि ये हैंड है ये फेस है इस तरीके से आप उसको उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में भी बता सकेंगे सो so वो बताएगा उसे पूछेंगे आप तो वो कि आपको चाहे राइमिंग के थ्रू करवा लें तो वो अपने इशारा करके बताएगा दिस इज़ माई नोज दिस इज़ माई हैंड इसी तरह से देखें कि आप उसके साथ सिम्पल अगर सॉन्ग्स भी उसके साथ उसके साथ गाएंगे तो वो उसे नर्सरी राइम्स के थ्रू लर्न करेगा जाके और वो से बहुत सारी जो विकेबलरी है वो इन नर्सरी राइम्स के थ्रू ही उसके अंदर ऐड होगी और वो जो आ, आप कह लें कि रिदम ऑफ स्पीच है वो उसे बड़ी अंदाज से सीख लेगा जाके आप प्लेस फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स इन अ बॉक्स हैव योर चाइल्ड टेक वन आउट एंड टेल यू इट्स नेम एंड हाउ टू यूज़ दिस आपने उसको बताना भी है कि इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है बच्चे जो हैं उनकी आपको अर्लीर हम एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ कि उनकी जो कॉग्नेटिव डेवलपमेंट है वो, वो बड़ी एक फ़ास्ट लेवल पे हो रही होती है तो वो ख़ुद अंडरस्टैंड करेगा और आपने भी देखा होगा कि अगर आप रिमोट उसके हाथ में देते हैं तो वो टी की तरफ इशारा करता है अगर चाबी देते हैं तो उसे पता होता है कि वो ये गाड़ी की चाबी है या जो आपके घर पे बाइक है ये उसकी चाबी है टॉक अबाउट हु दे आर एंड वॉट हैपन ट्राई मेकिंग अप न्यू स्टोरीज और उसके साथ बहुत सारी बातें करें नई नई उसके साथ जब कैबलरी सीखेगा तो वो स्टोरी लाइन के थ्रू आप उसको पढ़ाएं तो आपको वो रिस्पांस बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाएगा थैंक यू